बसम्स अल्लामरुया फ़ारूक फ्राम टीम स्पार्कल एंड टुडे इज़ द डे ऑफ आर फार्माकोलॉजी कोर्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटी एमटिक ड्रग्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटी डायरियल एजेंट्स अब सबसे पहले अगर हम डायरिया की बात करें तो डायरिया डायरिया को जो है वो हम एंटीबायोटिक्स से भी ट्रीट करते हैं इफ़ेक्टिवली और इसके अलावा अदर ड्रग्स से भी ट्रीट करते हैं अदर ड्रग्स से हम कौन सी आ, कौन से डायरिया को ट्रीट करेंगे जो कि हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव हो जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं अब इसमें एंटीबायोटिक जो एंटी डायरियल एजेंट्स हैं हमारे पास जिनकी हम अभी बात करेंगे एंटी डायरियल एजेंट्स ठीक है तो ये हम सेफली यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनको माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया हो ठीक है माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया में हम इसको यूज़ करते हैं और लेकिन हम इनको उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते जिनको ब्लडी डायरिया होगा ठीक है या फिर कोई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगी या फिर हाई फीवर होगा हाई फीवर एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जिन पेशेंट्स को होगी तो उनमें हम इन एजेंट्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये रिस्क होगा कि उनकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एजेंट से एजेंट्स में दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं लो पैरामाइड एंड डाइफेनोक्साइडेट लो पैरामाइड जो है ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है इसको हम यूज करते हैं टू ट्रीट द डायरिया इसका डोज जो है वो हमारे पास होता है टू मिली ये क्या करती है ये हमारे गट वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक करती है और उनसे जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ होती है और जो प्रोस्टाग रिलीज़ होते हैं उनको ये इनहिबिट करवा देती है जिससे क्या होता है कि पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ होती है और इंटेस्टिनल ट्रांज़िट टाइम यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांज़िट टाइम होता है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से जो पैरस्टैलसिस मूवमेंट होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है और इस तरीके से ये डायरिया को जो है वो ट्रीट करती है ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं इसके अलावा इसकी कोई एनर्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है और इसमें आ, कोई एडिक्शन का पोटेंशियल नहीं है ठीक है और इसको जो है वो हम टू मिलीग्राम की डोज़ में जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं और वन टू फोर टाइम्स जो है वो डेंगी इसको यूज़ किया जा सकता है इसके बाद हमारे पास ड्रग है डायफेनोक्साइडेट डायफेनोक्साइडेट जो है ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है लो पैरामाइड जो थी हमारे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग थी और डायफेनोक्साइडेट इस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये हमारे पास जो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स होते हैं उन पर यह एड कर डायफिनोक्साइडेट क्या करती है ये हमारे स्मूथ मसल्स पर जो है इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स पर एक्ट करती है और वहाँ की जीआई आई को ये डिक्रीज़ कर देती है और जो जीआई आई प्रोपल्जन है एक्सेसिव प्रोपलजन है उसको भी ये डिक्रीज़ करती है इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन जो है उसके अंदर एट्रोपिन और डाईफिनोक्साइडेट इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन आता है डाएफिनोक्साइडेट जो है वो टू मिलीग्राम होती है प्लस 0.025 मिलीग्राम जो है ये एट्रोपिन के साथ होती है इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो एट्रोपिन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है इसके बाद हमारे पास अदर ड्रग है दैट इज बाइल सॉल्ट बाइंडिंग ग्रेजेंट उसके बाद द सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग इज बाइल सॉल्ट बाइंडिंग ग्रेजेंट वैसे क्या होता है कि नॉर्मली हमारे जो बॉडी के अंदर कॉन्जुगेटेड बाइन सॉल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द टर्मिनल इलियम में ठीक है कहाँ एब्ज़ॉर्ब होते हैं टर्मिनल इलियम में जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे पास टर्मिनल इलियम के अंदर एबजॉर्ब हो जाते हैं लेकिन किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉन डिजीज है या फिर हमारे पास कोई सर्जिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे उनकी माल एब्जॉर्पन हो गई है तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोलोनिक सीक्रेटरी डायरिया होता है क्या होता है कॉलोनिक सीक्रेटरी डायरिया अब इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हम ये वादे एजेंट्स यूज़ करते हैं इसमें सबसे पहला है कॉनिस्टायरामीन देन है कोलेस्टॉल और देन है कोलेस्टवेलॉट ठीक है ये तीनों ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं ये वैरायटी ऑफ फार्मूलेशन में आती हैं ये क्या करती हैं ये ड्रग्स हमारे पास डायरिया को जो है वो डिक्रीज करवाती हैं ये हमारे पास पाउडर और फेरी फार्मूलेशन में आती हैं जिसको हम वन टू तो थ्री टाइम डेली जो है बिफोर मील जो है यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा पोलीस्टायरानिन और कॉलेस्टिपोल ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये बाइंड करती हैं नंबर ऑफ ड्रग्स से ठीक है और उनकी एब्जॉर्प्शन को ये कम करवा देती है इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि दो घंटे जब हमने ये ड्रग्स ली हो तो उनके दो घंटे के दौरान हमें कोई और दूसरी ड्रग नहीं लेनी है या अगर कोई और ड्रग ली हुई है तो उसके दो घंटे के वक्फे के साथ हमें जो है वही दो ड्रग्स लेनी है वो क्यों इसलिए कि ये नंबर ऑफ़ ड्रग्स के साथ बाइंड करती हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवा देती हैं दैट्स व उनका इफेक्ट फिर जो है वो तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अलावा इस कब इस ड्रग का जो है वो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो इसको जो है वो हम ले सकते हैं इसके अलावा जो हमारे पास अदर क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज़ एब्ज़ॉर्बेंट एब्ज़ॉर्बेंट में हमारे पास एग्जाम्पल आती है एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल मिथायोसेल्यूलोल ये जो है वो डायरिया को कंट्रोल करती है बाय एबज़ॉर्बिंग इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स जो हमारे इंटस्टान के अंदर इंटेस्टिनल टॉक्जिन होते हैं उन पे ये एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और Uh, जो है वो एक कोटिंग और प्रोटेक्टिंग एक्शन जो है इंटेस्टिनल म्योकोजा को प्रोवाइड करती हैं लाइक ये एज अ कोटिंग और प्रोटेक्टिंग जो है वो एजेंट काम करती हैं हमारे इंटेस्टिनल म्योकोजा में यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है वो इंटेस्टिनल म्योकोजा है इसको ये एक तरह से कोट और प्रोटेक्ट कर लेगी जिससे क्या होगा कि इंटेस्टिनल टॉक्जीस जो है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी और डायरिया को जो है वो ये डिक्रीज कर देगी इसके बाद हमारे पास आते हैं एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट जिसमें एग्जाम्पल आती है बिस्मत सेलिसाइनेट बिस्मत सेलिसाइनेट क्या करता है ये यूज करते हैं हम फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया जिसमें ये फ्लूड सिक्रीशन को डिक्रीज करती है इन द बाउल और ये इसका एक्शन किसकी वजह से होता है एक साइलेट कंपोनेंट की वजह से जो है वो इसका एक्शन होता है ये इसका जो है वो मेन कंपोनेंट है और ये भी हमारे पास एज अ कोटिंग एजेंट जो है ये कोटिंग प्रोवाइड करती है फिर इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास ऑक्ट्रियोटाइट अच्छा ऑक्ट्रियोटाइट क्या है ऑक्ट्रियोटाइट जो है ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है ये हम यूज़ करते हैं फॉर डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग दिक्रीटरी डायरिया और ऑफ़िन द सिम्प्टम्स ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम ठीक है अच्छा इसकी एक बात हमें ये याद रखनी है डोज से रिलेटेड कि इसको अगर हम लो डोज में यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको यूज़ करते हैं फाइव फिफ्टी माइक्रोग्राम एस सी यानी सबक्यूटेनियस इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करेंगी लो डोज में ये स्टीमुलेट करती है मोटिलिटी को ठीक है तो जब डायरिया होगा तो हम इसका लो डोज ऑब्वियस सी बातें नहीं देंगे क्यों क्योंकि ये इसकी वैसे ही वहाँ की जो मोटिलिटी है मोटिलिटी वो जी आई मोटिलिटी वो इंक्रीज़ हुई हुई है अगर हम और इंक्रीज कर देंगे तो डायरिया वर्स हो जाएगा लिहाजा हम इसकी हाई डोज देते हैं इन द डायरिया विच इज़ हंड्रेड टू टू फिफ्टी माइक्रोग्राम एस सी ठीक है तो ये क्या करेगी ये हमारे पास जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगी ये जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ एक्यूट बैंक्रियाटाइटस में भी और इसके अलावा डायरिया में भी ये यूज़ होता है इसके अलावा हमारे पास लास्ट है दैट इज़ ओ आर एस औरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ये हम हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं जब पेशेंट होता है जिनको डायरिया होता है वो डिहाइड्रेटेड होता है यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है सारे उसके जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं ड्यू टू डायरिया तो उसको डिहाइड्रेशन को हम प्रिवेंट करने के लिए और शॉक वगैरह की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ओ का यूज़ करते हैं अब आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ तो आज जो है वो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको कंपोजिशन ऑफ ओ बतानी है यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी क्या जो है वो अमाउंट प्रेजेंट होती है ओ सॉल्यूशन में ठीक है तो ये आपको बताना है कहाँ बताएंगे इन कमेंट सेक्शन बताएंगे विथ नेम एंड रोल नंबर ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप जो है वो पूछ सकते हैं और असाइनमेंट जो है वो आप लाजमी सबमिट करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़